हमने अपने लास्ट वीडियो में हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों को ईडियम्स के माध्यम से एक्सप्रेस करना सीखा था। आज हम अपने इमोशंस कुछ फ्रेजेस के माध्यम से एक्सप्रेस करना सीखेंगे। फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव पर्टिकुलर मीनिंग, मतलब हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि शब्दों का समूह है जिसका कुछ विशेष मतलब होता है। और फ्रेजेस से क्या होता है, फ्रेजेस को यूज़ करने से आपकी भाषा की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीति। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा जो पहला फ्रेज है वो है लुक ऑन द ब्राइट साइड। आपने हिंदी में भी सुना होगा, कभी कभी हम कहते हैं ना कि उसके अच्छे पक्ष की ओर देखो, उसके उज्ज्वल पक्ष की ओर भी तो देखो। तो इसका मतलब है टू सी द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ए नेगेटिव सिचुएशन, मतलब अगर कुछ ऐसा बुरा समय है या बुरी चीज़ है, सिचुएशन है, उसमें कुछ बेहतर ढूंढना, उसमें पॉजिटिव चीज़ देखना। इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है टू फाइंड गुड थिंग्स इन अ बैड सिचुएशन, या ऐसे भी कह सकते हैं टू बी चेयरफुल होपफुल अबाउट अ बैड सिचुएशन, बुरी परिस्थितियों में भी आशान्वित रहना या उत्साहित रहना। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर रूप से समझते हैं। लुक ऑन द ब्राइट साइड, नो वन वॉज बैडली हर्ट। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं ना, चलो अच्छा हुआ, कम से कम किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। लुक ऑन द ब्राइट साइड, नो वन वॉज बैडली हर्ट। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि एक्सीडेंट हो गया, हाय हाय एक्सीडेंट हो गया, उसकी जगह हम कहते हैं कि चलो उस बात को छोड़ो, लुक ऑन द ब्राइट साइड, नो वन वॉज बैडली हर्ट। लुक ऑन द ब्राइट साइड, यू विल सेव मनी बाय नॉट गोइंग। अगर किसी का प्लान अगर ड्रॉप हो गया या प्लान बदल गया, कोई कहीं जाना चाह रहा था नहीं जा पाया, तो हम कहते हैं अच्छा हुआ ना नहीं गया, कम से कम तुम्हारे कुछ पैसे तो बचेंगे। लुक ऑन द ब्राइट साइड, यू विल सेव मनी बाय नॉट गोइंग। आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड बट यू नीड टू लुक ऑन द ब्राइट साइड, मुझे पता है तुम निराश हो, लेकिन तुम उसके अच्छे पक्ष या उज्ज्वल पक्ष की तरफ देखो। तो इस तरीके से आप किसी को हौसला दे सकते हैं, अगर कोई निराश है तो आप इस तरीके से भी उसे कह सकते हैं। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट दैट देयर एंगेजमेंट हैज़ बीन ब्रोकन, बट लुक ऑन द ब्राइट साइड, दैट ग्रीडी फैमिली वॉज नॉट द राइट चॉइस फॉर दैट गर्ल। अब अगर किसी की एंगेजमेंट टूट गई तो हम कहते हैं ना काफ़ी दुखद एंगेजमेंट टूट गई, लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष जो है, ब्राइट साइड ये भी है कि वो जो फैमिली थी बहुत लालची थी, वो उस लड़की के लिए सुइटेबल नहीं थी। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ रियली सैड दैट योर लेग हैज़ बीन ब्रोकन, बट नाउ यू कैन वॉच ऑल दोज मूवीज दैट यू वर प्लानिंग टू वॉच सिंस लास्ट वन ईयर। कभी कभी जैसे मजाक में अपने दोस्तों से कहते हैं, यार तुम्हारी टांग टूट गई, पैर टूट गया, काफ़ी बुरा है, लेकिन कम से कम तुम अब बैठ के पूरी मूवीज़ देख डालना, जो साल भर से तुम सोच रहे थे ना मैं ये मूवी देखूंगा वो देखूंगा, तो अब उसको देख सकते हो। मेरी एक बार सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ उससे बेहतर सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं, वो है थ्रिल टू बिट्स, मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बेहद खुश हो, तब आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, थ्रिल टू बिट्स। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, शीतल वॉज थ्रिल टू बिट्स व्हेन शी केम टू नो अबाउट हर रिजल्ट्स। अपना जब उसे रिजल्ट पता चला तो वो एक्सट्रीमली खुश हो गई, मतलब खुशी, बेहद खुश हो गई, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, थ्रिल टू बिट्स। शीतल वॉज थ्रिल टू बिट्स व्हेन शी केम टू नो अबाउट हर रिजल्ट्स। आई एम थ्रिल टू बिट्स डैट माई पेरेंट्स आर कमिंग टू विजिट मी नेक्स्ट मंथ। मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे मम्मा पापा मुझसे मिलने अगले महीने आ रहे हैं। आई एम थ्रिल टू बिट्स दैट माई पेरेंट्स आर कमिंग टू विजिट मी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है, माई फादर थ्रिल टू बिट्स टू हियर दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक्सट्रीमली हैप्पी ही वॉज जब उन्होंने सुना कि मेरा सिलेक्शन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हो गया है। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल टू बिट्स। कभी अगर आपको कहना हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, तो आप कह सकते हैं आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल टू बिट्स, शी वॉज थ्रिल टू बिट्स विद हर बर्थडे सरप्राइज। तो उसे जो बर्थडे सरप्राइज मिला ना, उसके कारण वो बिल्कुल खुश हो गई, बेहद खुश थी, शी वॉज थ्रिल टू बिट्स विद हर बर्थडे सरप्राइज। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मैं कैसे बेहतर बनाऊँ इस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन के बारे में कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों तरह के ख्याल रखना, मतलब कुछ पार्टली पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। टू फील पार्टली पॉजिटिव एंड पार्टली नेगेटिव, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट माई न्यू बॉस। मेरे जो नए बॉस हैं उनके बारे में मेरी जो फीलिंग है थोड़ा मिक्स टाइप की, कुछ चीज़ों में मुझे अच्छे भी लगते हैं और कुछ चीज़ों में वो मुझे सही नहीं लगते, बुरे लगते हैं। आई गॉट सेटल्ड इन दुबई बट आई हैव मिक्स्ड फीलिंग। हो सकता है दुबई में करियर ग्रोथ ज़्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं को भी होता है ना, दूसरी लैंग्वेज ट्रेन और दूसरा देश, तो दोनों तरह की फीलिंग्स होती ना जब हम कभी अपने जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस बुक।
हो सकता है बुक की कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों, कुछ उसके कैरेक्टर या लिखने का तरीका, और कुछ चीज़ों में बोरिंग लगी हो। तो वी बोथ शेयर मिक्सड फीलिंग अबाउट दिस होटल, मतलब इस होटल के बारे में हो सकता है खाना बेहतर हो पर काफ़ी एक्सपेंसिव या कॉस्टली हो, ऐसा हो सकता है। वी बोथ शेयर मिक्सड फीलिंग अबाउट दिस होटल। वी हैड मिक्सड फीलिंग अबाउट दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, हो सकता है इस ट्रेनिंग सेशन के कारण क्या हुआ, मैं दूर नहीं जाना पड़ा, टाइम बचा, पर वो बोरिंग रहा हो, ज़्यादा फ्रूटफुल ना रहा, तब आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वी हैड मिक्सड फीलिंग्स अबाउट दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है बी ऑन एज। जब आप कभी बहुत नर्वस हो या टेंस हो किसी चीज़ को लेकर के, तब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो बी ऑन एज, मतलब जब आप घबराहट में हो या कुछ चिंताजनक ऐसी स्थिति होती है ना, जब आप चिंता करते हो, टेंस रहते हो, तब वहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे बी ऑन एज। इसके कुछ एग्जाम्पल, ऑल द प्लेयर्स आर ऑन एज एज दे हैव टू डिफेंड देयर टाइटल। जैसे कोई टीम है, जो फुटबॉल है, फुटबॉल टीम कह सकते हो आप, क्रिकेट टीम है, जो पिछले बार की चैंपियन थी, अब इस बार अगर वो फाइनल में लड़ रही है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है अपने टाइटल बचाने के लिए, तो आप ऐसी जगह इसको यूज़ कर सकते हो, ऑल द प्लेयर्स आर ऑन एज एज दे हैव टू डिफेंड देयर टाइटल। नेक्स्ट है आई एम ऑन एज अबाउट माई वेडिंग। जैसे किसी की शादी होती है, एक नर्वसनेस होना और थोड़ा सा टेंस होना स्वाभाविक होता है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। माई पास्ट एक्सपीरियंस विथ हर लेफ्ट मी ऑन एज, मेरा जो पिछला उसके साथ अनुभव है ना, उसके कारण थोड़ी सी मुझे घबराहट हो रही है, जैसे किसी के साथ दोबारा ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने में, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं माई पास्ट एक्सपीरियंस विथ हर लेफ्ट मी ऑन एज। आई वॉज वरीड डेट दिस हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ माइट पुश हिम ऑन द एज, मतलब मैं काफ़ी चिंतित था ये सुनकर कि ऐसी हृदय विदारक या हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सुन करके वो बहुत ज़्यादा टेंस या नर्वस ना हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर आई वॉज बिट ऑन एज टूडे। कभी कभी होता है ना, अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, क्रेजी तरीके से बिहेव करते हैं, तब हमें समझ में आता है, कई बार फिर एहसास होता है हमने सही नहीं किया, इस तरह से मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए था, तब ऐसी जगह में यूज़ कर सकते। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर आई वॉज अ बिट ऑन एज टूडे। नेक्स्ट जो फ्रेज है सिक एंड टायर्ड ऑफ, जब आप किसी चीज़ से बिल्कुल थक जाओ, नहीं होता झेल जाते हैं हम जब जिस किसी चीज़ को, टू बी अनॉयड विथ समथिंग, मतलब कहते हैं ना कभी कभी हिंदी में पका दिया, मतलब पकाऊ चीज़ जो ऐसी होती है, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे सिक एंड टायर्ड ऑफ। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस वेदर, जैसे अगर कभी कभी रोज़ बारिश होती है, इतना ज़्यादा बारिश की बारिश नहीं रुकती, या कभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो कहते हैं ना बिल्कुल पक गए, थक गए इस वेदर से, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस वेदर। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, कभी कभी कोई एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना जो ऐड होते बहुत इरीटेट करते, बार बार वही स्क्रीन में दिखते हैं, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट न्यू स्टूडेंट, मैं उस नए स्टूडेंट से बिल्कुल थक गई हूँ, पका दिया उस बच्चे ने मुझे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट न्यू स्टूडेंट। वी वर सिक एंड टायर्ड ऑफ वेस्टिंग आर टाइम इन दैट यूजलेस गेट टुगेदर, कोई ऐसा गेट टुगेदर हो जो कि यूजलेस था, जहाँ कुछ मज़ा भी नहीं आया और ऐसा कुछ फालतू का था, तो हम ऐसी जगह कह सकते हैं कि जस्ट आई वॉज सिक एंड टायर्ड, वी वर सिक एंड टायर्ड ऑफ वेस्टिंग आर टाइम इन दैट यूजलेस गेट टुगेदर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको कुछ भी पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है शायद वीडियो ख़राब बना है, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट मैं कैसे करूँगी अगर आप लोग बताएंगे नहीं कि मैं क्या इम्प्रूव करूँ और बेहतर कैसे बनाऊँ। चलिए फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।